सोचिए एक ऐसी रात की जहां चमत्कार होते हैं और जानें बचती हैं। 1979 में रिचर्ड अल्पर्ट, जो रामदास के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने मिरेकल ऑफ लव नाम की किताब लिखी नियम करोली बाबा के अजूबों के बारे में। एक कहानी सबसे अलग है, बुलेट प्रूफ कंबल की। 1943 की बात है। फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने बाबा को अपने छोटे से घर में बुलाया। हालांकि उनके पास कुछ खास नहीं था, बाबा ने एक मोटे से बिस्तर पर अपना कंबल ओढ़कर सो गए। पूरी रात बाबा दर्द में कराहते रहे जैसे कोई तकलीफ हो, लेकिन सुबह उन्होंने वो कंबल उस दंपत्ति को दे दिया और कहा कि इसे गंगा में बहा दो बिना खोले। हैरान होकर उन्होंने बाबा की बात मानी। एक महीने बाद उनका इकलौता बेटा, जो वर्मा में WDWE के दौरान सिपाही था, घर वापस लौटा बिना एक खरोंच के। उसने एक खौफनाक रात के बारे में बताया, जब वो दुश्मन की गोलियों से घिरा हुआ था, लेकिन चमत्कारिक ढंग से एक भी गोली उसे नहीं लगी। उसी रात बाबा उस दंपत्ति के घर में दर्द में कराह रहे थे। इत्तेफाक या ईश्वरीय हस्तक्षेप? नीम करोली बाबा के चमत्कार आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं।